सटल एक्टिंग करोगे तो मैच नहीं होनी। ये मैं परसनली हंडाई ये चीज़। सेठी सर होंगे सी, सेठी सर ने मेरे ख्याल सेठी सर का पहला नाटक सी एज ए डायरैक्टर, तो मेरा पहला नाटक से एज ए एक्टर लीड से, नाम याद नहीं आ रहा मैंने नाटक का। तो सुदेश सर को कहते सेठी सर कि मैं भुल्लर लैके करना है, तो कुछ सेठी सर ही सटल सटल परफॉर्मर जहा चाहिए मैंने। हूँ नाटक से इतिहासिक सर समझ आ कि इतिहासिक नाटक सू उस तरह एक्ट करना पेगा, उस परफॉर्मेंस में रीच देनी पेगी। 15-20 दिन रिहर्सल चलिया, सर ने आके देखा सर कहते आ करिए, उस मैनू पता लगा कि अच्छा सेठी सर कहते ठीक तो कर रहे। सर ने थोड़ी चीज़ा कही, सेठी सर ने नहीं मने। बहुत प्यारी मूवमेंट थी जी, हमें लगता नवे बच्चे मिस करेंगे, सेठी सर की सुदेश शर्मा सर की टसल जी सीखने मिले ना सानू, वो कितों नहीं मिल सकता। रोम रोम च सिकंदर है बसया, रोम च सिकंदर है बसया, मेरी अपनी परांदी मैनू दसया, जद तक मैनू रीमा जया हसया ना, गल मेरे बस दी रही, गल मेरे बस दी रही। हीरे आख दी वे जो गया, वे झूठ बोले दे कौन रुठड़े यार, मनावदा ही ऐसा कोई ना मिले आवे, मैं ढूंढ थकी वे जेड़ा ज्ञानू मोड़े ले आवंदा। आप तो इलेक्शन की तैयारी करने लगे अभी से। आपसे मिलने कोई इंस्पेक्टर आया? किस तरह का इंस्पेक्टर? पुलिस इंस्पेक्टर सर, वो अपना नाम इंस्पेक्टर बाक्षी बता रहे। बाक्षी? मैं नहीं जानता, उससे मिलना चाहता जी। हाँ कहते हैं बहुत जरूरी काम। ठीक है यही बुला लो, शायद किसी स्ट्राइक वगैरह के सिलसिले में मिलने आया होगा। आज दोपहर में जवान लड़की ने गली के रास्ते में लटक हो गया, उसने तेज दहर खा लिया था, जिसकी वजह से उसकी आंखें पूरी तरह से फट गई। आपको कैसे मालूम? उसने एक डायरी सी बना रखी थी जिसका जिक्र किया कि वो अकेली रहकर उन बातों के बारे में सोचना चाहती है जो आप दोनों के बीच में। उसे लगता था कि इससे अच्छे दिन उसकी जिंदगी में नहीं आते। अपने आप को दोषी ठहराने में इतनी जल्दबाजी मत करो। अरे तुम्हारी मामा के साथ हुआ इंटरव्यू उतना ही नकली साबित हो सकता है जितना कि वो इंस्पेक्टर खुद। ज़्यादा मिस्ट्री थी, काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस था, मतलब कि ऐसे लग रहा था सारी स्टोरी थ्रिलिंग टाइप लग रही थी। जो प्ले मैंने देखा है वाकई एक बहुत अच्छा प्ले था, और उसकी डायरेक्शन, उसका स्टोरी भी, उसकी जो भी थीम था, ये सभी चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। और उसमें हमें एक ये भी पता चला है कि सोसाइटी में किस प्रकार की ये प्रॉब्लम्स आती हैं जब बच्चे भी जो हैं कई बार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं या किसी ऐसे रास्ते पे चले जाते हैं जहां उनको शायद नहीं जाना चाहिए था।
इस तरह की बहुत सी चीज़ें छोटी छोटी मैंने इसमें देखने को मिली हैं। एक्टिंग वाइज भी बहुत अच्छा लगा और मुझे इंटरेस्टिंग भी लगा। मतलब हालांकि मैंने जब नाम सुना था प्ले का तो मुझे लगा कि शायद पता नहीं कुछ होगा इसमें या नहीं। पहले तो मैं घर से आने के मूड में नहीं था, आज कुछ घर की ऐसी इश्यूज थे, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि ये वाकई अपने आप में एक अच्छा प्ले था और मुझे अगर मैं ना आता तो मैं एक अच्छी चीज़ को मिस कर सकता। डेफिनेटली आई एम वेरी इम्प्रेस्ड और मुझे एक्टिंग वाइज और हर एक एंगल से ये प्ले काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। थोड़ा सा